दुबई के शेख से एक बार पूछा गया कि एक समय था जब आप ऊंट पर चला करते थे, लेकिन आज आपके पास फरारी है और भी बहुत सारी लैम्बोर्गिनी गाड़ियां हैं, लग्जरी गाड़ियां हैं, तो आपकी संतानों के पास क्या होगा आने वाले टाइम के अंदर? तो उन्होंने कहा कि आने वाले टाइम के अंदर उनके पास वापस से ऊंट ही होगा। तो ऐसा क्यों? तो अब जो शेख साहब ने जो आंसर दिया उसको आप बहुत ही गौर से सुनना, क्योंकि जब इंसान के पास बुरा वक्त आता है तो उसे एक मजबूत इंसान बनाता है। बुरा वक्त इंसान को मजबूत इंसान बनाता है और एक मजबूत इंसान अच्छा वक्त लेकर के आता है, और जब इंसान की जिंदगी में एक अच्छा वक्त होता है तो उसे वो कमजोर बनाता है और वह बुरा वक्त लेके आता है। तो बस ये साइकिल यूं ही चलती रहती है। इसलिए अगर आज आपके जिंदगी के अंदर बुरा वक्त है तो ये वक्त आ गया है कि आपको ही इसे अच्छा बनाना है। दोस्तों, मेरा नाम है मनेंद्र सिंह गोला और आप जो है मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जैसा कि आपने हमारे थंबनेल के ऊपर पढ़ ही लिया होगा कि हम सब लोगों को बहुत कुछ यहाँ पर दिखने वाला है। अगर अभी माहौल शांत है तो उसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है और बैकएंड के पीछे इतना तेजी से काम चल रहा है कि शायद जिसका हमने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। तो यहाँ पर अभी आज की तारीख में अगर हम एस सर के बारे में बात करें तो आज की तारीख में एस सर एक ब्रांड बन चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल एक ब्रांड बन चुके हैं। और ब्रांड किसे कहते हैं आपको पता है कि अगर उनकी कोई भी एक छोटी से छोटी चीज भी अगर मार्केट में आ जाती है तो वो आग की तरह वायरल हो जाती है। उनका जो कॉर्पोरेट वेबिनार होता है वो तो पहले से फेमस है ही, लेकिन इसके अलावा अगर उनकी कोई भी छोटी मोटी पोस्ट भी अगर किसी भी प्रोग्राम में आ जाती है, जहां क्रिस जॉनसन सर हो गए, रेड सर हो गए, 360 वेबिनार हो गया, या दुनिया भर के प्रोग्राम चलते हैं, रॉबलिन लाइव का प्रोग्राम हो गया, बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं, कहीं भी एक छोटी सी भी अगर उनकी चिंगारी आती है तो वो आग की तरह फैल जाती है। एक छोटी सी पोस्ट भी एस मुफारिस सर की जो आग की तरह फैल जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि आज की डेट में एस सर एक ब्रांड बन चुके हैं, और ब्रांड का मतलब होता है कि हम उन पे अपने से ज्यादा भरोसा करते हैं, यानी कि खुद से ज्यादा भरोसा हम एस सर के ऊपर करते हैं। ये बहुत बहुत बड़ी बात होती है। एवरी मेंबर शुड कीप एन आई ऑन द बैक ऑफ फेस, इंपोर्टेंट अपडेट्स विल बी पोस्टेड। बहुत ही जल्दी एस सर का एक जो स्टेटमेंट वायरल हुआ है उस पर सीधा सीधा और साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारे बैक ऑफिस के अंदर आपको बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलने वाली है। अभी तक हमने जितनी भी अपडेट्स अभी तक हम सब लोगों को जो मिली है, जितनी भी अपडेट्स मिली है उसमें इतनी ज्यादा देरी नहीं हुई है, लेकिन अगर इस अपडेट को आने में अगर इतनी ज्यादा देरी हो रही है तो कहीं ना कहीं कुछ बड़ी इन्फॉर्मेशन आने के संकेत भी मिल रहे हैं। यहाँ पर आप यूं ना समझें कि यहाँ पर जो एस मुफारिस सर अब जो अपडेट लेके आने वाले हैं उसमें कुछ नहीं होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होगा इस अपडेट के अंदर। होने वाला तो है ही है, बहुत कुछ होगा यहाँ पर, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों बहुत कुछ होगा। लेकिन इस अपडेट के अंदर हम सब लोगों को वो सारी की सारी चीजें मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है, पूरी पूरी होप है, जो हम सब लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। क्योंकि जून का महीना अभी तक एक भी अपडेट इस जून के महीने में हम सब लोगों को देखने को बिल्कुल भी नहीं मिली है, और हम सब लोग बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी नई अपडेट है जो इस जून के महीने में हम सब लोगों को मिलने जा रही है, जो अभी तक हम सब लोगों ने ना तो देखी है और ना ही यहाँ पे सुनी है। और इसके एवज में, यानी कि इसके बारे में माइक एलिस सर ने एक बात और भी बोली है कि अभी जो माहौल थोड़ा सा शांत है उसमें हमें ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एक लीगल एंड ऑथेंटिक कंपनी के साथ हैं, लीगल ऑथेंटिक एंड रियल कंपनी के साथ हैं, रियल कंपनी के अंदर हैं, और इससे बहुत सारे प्रमाण जो हैं हमारे आसपास मौजूद हैं, बहुत सारे प्रमाण मौजूद हैं, बहुत सारे रिजल्ट्स मौजूद हैं, इसमें ज्यादा सबूत मौजूद हैं, इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। चाहे वो मेट्रो स्टेशन हो, चाहे वो बुर्ज खलीफा हो, चाहे वो हमारा दुबई के अंदर बहुत सारा प्रोग्रामिंग सेंटर हो, या फिर वहां पर एडवर्टाइजमेंट करना हो, फीफा वर्ल्ड कप हो, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो ये एक लीगल कंपनी को दर्शाती हैं। तो यहाँ पे हम एक नेक्स्ट फेज के अंदर जो है जा रहे हैं, और हमारा जो ओईएस के अंदर जो हमारा इंटीग्रेट हो रहा है प्रोग्राम, हमारा ओडेस्क हो गया, ओ ट्रैकर हो गया, एंड हमारा इसके अलावा और भी कुछ बदलाव हो रहे हैं, तो इसकी वजह से भी ये थोड़ा सा डिले हो रहा है। और ये डिले नहीं है, ये हम सब लोगों के लिए एक बेहतरीन काम चल रहा है। जी हाँ, अभी हमारे एस मुफारिस सर का मैसेज क्रिस जॉनसन सर के प्रोग्राम में आया था,
जो अब क्रिस जॉनसन सर हमेशा कभी ना कभी जो है लाइव आ जाते हैं, मार्टी डेगामो सर हमेशा लाइव आते हैं, रॉयड सर हमेशा लाइव आते हैं, और वहां पे एस सर किसी न किसी वजह से जब आते हैं तो वहां पे एक छोटी सी चिंगारी छोड़ के जाते हैं, जरूर वहां पे एक छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन ऐसी छोड़ के जाते हैं जो सभी लोगों को जो है अंदर से एनर्जेटिक कर देती है। और उनके मैसेज आने के बाद में हम सब लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं रह गया है और हम सब लोगों को वो चीज सुनने का बहुत ही जल्दी मौका मिलेगा जो हम सुनना चाहते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से क्रिस जॉनसन सर के प्रोग्राम में उनका एक मैसेज आया और उसमें बहुत साफ साफ तौर पर लिखा हुआ था, एवरी मेंबर शुड कीप एन आई ऑन योर बैक ऑफिस, अपने बैक ऑफिस पे आप जो है अपना ध्यान देते रहिए। नजर गड़ा के रखने का मतलब ये नहीं होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नजर गड़ा के रखिए कि हम 24 आवर जो है बैक ऑफिस खोल के बैठे रहे, नो आप उसे 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में, या आज आपने सुबह ओपन किया फिर दोपहर को ओपन किया, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चेक करनी है हर 4-5 घंटे में आप जरूर अपना जब भी समय मिले अपना बैक ऑफिस जरूर ऑन करिए। और बैक ऑफिस ऑन करने का एक सही तरीका है वो ये है कि सबसे पहले आप अपने इकोसिस्टम के अंदर जाएं, सबसे पहले, और उस इकोसिस्टम के अंदर जो फाउंडिंग वाला फाउंडर वाला जो लोगो बना हुआ है उस लोगो पे आप क्लिक करें, नो आईडी नो पासवर्ड, आपको कोई आईडी पासवर्ड की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका बैक ऑफिस खुल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना बैक ऑफिस को ऑन किया करें, ये बहुत ही ज्यादा इजी रहता है और दोनों ही साइट आप कवर कर लेते हैं, यानी कि दोनों ही वेबसाइट आप कवर कर लेते हैं, दोनों ही वेबसाइट पे आपका क्लिक भी हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे बैक ऑफिस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो उस पर हमें नजर बना के रखनी है। और वास्तव में ये क्लियरली जो है हमारे एस मुफारे सर ने एक हिंट जो दी है ये इस मैसेज के माध्यम से, ये एक आने वाली बहुत बड़ी हिंट है, सीधा सीधा हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन हम सब लोगों का वेट कर रही है, इंतजार कर रही है। और एस मुफारे सर वही चीज हो सकता है कि वही चीज बताएं जहां तक हमारी उम्मीद है कि जो चीज यहाँ पे अब परफेक्टली जो है अब हो जाए, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग बार बार एक क्वेश्चन करते हैं कि सर इंतजार बहुत बहुत ज्यादा हो रहा है, अब कितना और इंतजार करना पड़ेगा। हमने जितना भी इंतजार कर लिया वो कर लिया, लेकिन अब इस समय हम बिल्कुल पूरे लास्ट फेज में चल रहे हैं, ये लास्ट फेज है और इस लास्ट फेज में हमें क्या क्या होने वाला है आपको पता है कि अब पूरा बस बिजनेस की ही तैयारी चल रही है कि हमें बिजनेस को किस तरीके से स्टार्ट करना है, किस तरीके से कस्टमर को क्रिएट करना है, किस तरीके से रेवेन्यू को जनरेट करना है। और इसके रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए भी कंपनी के पास बहुत सारे चैलेंजेस जरूर फेस करने होंगे, क्योंकि ये रेवेन्यू जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रहेगा वो कितना आप सोच रहे हैं कि आसान रहेगा, नहीं, ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अगर थोड़ी सी भी कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो गई तो यहाँ पे पूरा का पूरा हमारी मेहनत पे पानी फिर सकता है। तो यहाँ पे कितना इंतजार करना होगा ये तो पता नहीं है, लेकिन हमारा पूरा विश्वास ये है कि हमारा जो ये जो महीना है जून का जो महीना है बहुत ही गर्मी पड़ रही है जून के महीने में, और इस जून के महीने में भी आप देख रहे हैं कि मैं कोट और टाई पहन के जो है आपके सामने अपडेट देता हूं, बिकॉज हम सब लोगों को प्रोफेशनल होना चाहिए। बहुत सारे लोग इस कोट को लेकर भी बहुत सारे कोट जो है कमेंट करते हैं कि ऐसा को गर्मी नहीं लगती है, ये ऐसा है वैसा है बहुत सारे, नहीं, वी आर प्रोफेशनल, आप कोई भी काम करते हैं तो प्रोफेशनल तरीके से करिए, तभी आप जो है पूरी डेडिकेशन के साथ और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप उस काम को कर पाएंगे। आप जब बाहर जब निकलेंगे ना कस्टमर बनाने के लिए, तब मैं देखूंगा कि आप चप्पल पहन के जाते हैं या जूता पहन के जाते हैं, तब मैं देखूंगा कि आप लोअर टी शर्ट में जाते हैं या पैंट शर्ट में जाते हैं या कोट डाल के जाते हैं, तब मैं देखूंगा आपको, तब मैं आपसे सवाल करूंगा कि जब आप कस्टमर को क्रिएट करने जा रहे होंगे, क्योंकि ये आदत जो होती है ना वो एक दिन में चेंज नहीं होती है। अगर आपने शादी में ही अपने कोट पैंट टाई को पहना होगा फिर आप कल पहन करके मार्केट में निकलिए, लोग आपको घूर घूर के देखेंगे, और जब आप अपनी इस चीज को जो अपनी आदत बना लेंगे तो फिर आपको कोई भी घूर घूर के नहीं देखेगा। ओके, तो इस चीज को अपनी आदत बनाइए, बिकॉज अगर आप आदत बना लेते हैं तो ये आप एक प्रोफेशनल वाले एक कैटेगरी में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो महीना है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ज्यादा आपका ये इम्पोर्टेंट भी रहेगा और यहाँ पे हमें इम्पोर्टेंट अपडेट्स भी मिलेंगी। और आज से पहले हमें इतना ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ा, और अगर इंतजार करना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज, बिग न्यूज जो है आने वाली है। और आपको भी पूरी डेडिकेशन के साथ ऐसे ही काम करना है जैसे आप पूरी तरीके से जो है खुद को ही भूल जाएं। जैसे अगर मुझे काम करना होता है, अपने YouTube पे भी काम करना होता है, बैक ऑफिस में भी काम करना होता है, इकोसिस्टम के अंदर भी बहुत सारी चीजें बदलती हैं तो उसमें भी, और फिर रात को एक हम मीटिंग भी करते हैं ओ कनेक्ट के ऊपर, जब हम रात को मीटिंग करते हैं तो उसमें भी हम बहुत सारे लोगों को सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बातों को सिखाते हैं और उसके बाद एक घंटे में या डेढ़ घंटे में मीटिंग को खत्म कर देते हैं। फालतू बातें
कोई भी नहीं होती है, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बातें होती हैं। तो यहाँ पे पूरी डेडिकेशन के साथ आप उस तरीके से काम करिए कि आप खुद को भी भूल जाए कि आप क्या कर रहे हैं। ओके, सो आई होप आपको बहुत ज्यादा इंतजार रहेगा, एनर्जेटिक रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, और कोई भी नेगेटिव कमेंट्स या कोई भी चीजें अगर आपके आसपास हो रही हैं तो आप उससे बचे रहें, कोई फायदा नहीं है। और मैं कहूंगा कि आपको कमेंट करने में भी कोई भी बेनिफिट नहीं है। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बैक ऑफिस के ऊपर जो है नजर बना के रखिए, इकोसिस्टम में भी अपडेट वाला टैब है उस पर भी नजर बना के रखिए, और जैसे ही हमारे पास बिग न्यूज आती है नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको जरूर 100% उन सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को हिंदी में कन्वर्ट करके जरूर बताने वाले हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। वी आर सून इट टू विन इट।